तो कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहां पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहां पर आई उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है, चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है, पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। बेस्ट यूपी की किस